मौर्या जी, एक बात बताइए, उत्तराखंड में आप लोग जमीन तलाश रहे हैं, कांग्रेस भी खूब मौका आपको दे रही है, अब बीजेपी भी खूब मौका है ना, जो चीज़ें दिख रही है उसमें आप लोगों को लग रहा है कि बीजेपी मुझे खूब मौका देने वाली है। आप लोगों को लगता है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार करना बहुत आसान काम है क्या किसी भी सरकार के लिए? धन सिंह रावत पर सवाल उठ रहा है, तो क्या इसको किस मायने और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि किसी किसी विभाग पर अगर सवाल उठ रहा है, विभाग के हेड पर सवाल उठ रहा है, भ्रष्टाचार की जांच भी चल रही है, कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि अगर मैं लिप्त हूं तो मैं मंत्रालय छोड़ दूंगा, पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, तो क्या उत्तराखंड में इस तरह का माहौल है कि भ्रष्टाचार करना आसान है किसी के लिए, या फिर एक मैकेनिज्म है जिसमें ये सब चीज़ें बस खबरें बनकर आ रही हैं, सवाल उठ रहे हैं और उसका जवाब किसी के पास नहीं है? बताइए मौर्या जी। गौरी शंकर जी, उत्तराखंड राज्य जब से बना तब से बारी बारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें रही। जब कांग्रेस की सरकार रही तो भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़े बड़े घोटाले, बीज घोटाला, नर्सरी घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, और उसके बाद जब भाजपा आ गई तो कांग्रेस ने शुरू कर दिया ये घोटाला। लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य का कि यहाँ पर केवल तो सरकार आती है जो उस वक्त विपक्ष में होती है और जो सत्तासीन होती है तो सीधा बस एक जांच कमेटी बैठा करके और एक कर दिया जाता है कि भाई ये एजेंसी है ये जांच करेगी। लेकिन आज तक किसी भी जांच का कोई रिजल्ट नहीं आया। अगर हम आज की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो ऐसे में अगर उनके किसी विभागीय मंत्री पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, और वो छोटे मोटे आरोप नहीं है, वो आरोप इस तरह के से लगे हैं जिसको की सत्यता तक पहुंचना बहुत ही आसान है। क्या इसकी सीबीआई जांच नहीं कराई जा सकती? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो फिर आप जांच एजेंसियों से जब दूसरे की सरकार कहीं है, मान लिया आम आदमी पार्टी की सरकार हमारी दिल्ली में है और वहां पर हमारे एक मंत्री पर कोई अगर आरोप लगा तो आपने उनके ऊपर सीधे ईडी कार्रवाई कर दी। कहीं कांग्रेस के लोगों पे भी हो रही है, विपक्ष के तमाम लोगों पे हो रही है।